आई टेल यू, ये जो कुमकुम भाग्य की रिया है ना, शी सच अ वैम्प, आई टेल यू, हमेशा लास्ट बाजी में ना सब कुछ उलट फेर कर देती है. शी इज लाइक दिस, व्हाट डू यू कॉल देम इन हिंदी, वैम्प, विलन, खलनायक. खलनायक, रिमेंबर दैट, शी इज अ खलनायक. खलनायक. हमेशा होता है ना, देखिए कुमकुम भाग्य में इस बार भी वही हुआ. रिया हमेशा जो दाव खेलती है ना, उसमें वो पास हो जाती है, और बेचारी प्राची हो, दादी हो या कोई हो, सब उसके सामने फेल हो जाते हैं. अब ना चाहते हुए भी दादी किडनैप हो गई थी, लेकिन दादी ने रिया और आलिया को देख लिया था कि वो किसी के साथ काना फुसर कर रही है. फिर क्या, जब दादी को होश आया ना, तो पुलिस वाले भी आ गए और दादी ने रिया का नाम सबके सामने ले लिया. ये जो तुम प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रही हो ना, उससे तुम्हारे कारना में छुपे नहीं रहने वाले. मैंने तुम दोनों को गुंडों को कहते हुए सुना कि मेघा के ऊपर नजर रखो. मैंने तुम दोनों को वहाँ एक साथ देखा है. जो भी है वो सच बताओ. अब रिया ने तो इस खेल में महारत हासिल कर ली है. चेली भी तो वो आलिया की है. देखिए कैसे उसने बातों को पलट दिया और साथ ही सिट की बहन को भी अपनी ओर कर लिया. यानी कि फिर हो गई आलिया और रिया की जीत. आपने जो देखा वो सही था, लेकिन उसका मतलब गलत समझा. मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया और ना ही किसी ने हार्म किया. हाँ, मेहका को हमने अपनी बातों में फंसा लिया है, उलझा लिया है. हमारा जो एक स्पाइडर वेब है उसके अंदर वो फंस गई है, और सिड भी फंस गया है, तो दोनों को हमने अच्छे से फंसा रखा है. बिल्कुल, हमने पूरी गेम ही पलट दी, और जहाँ हमें लग रहा था कि हम पकड़े जाएंगे, वहाँ बुजी और मैंने एक कमाल का प्लान बनाया है, और पूरा ब्लेम इनफैक्ट दीदा के ऊपर डाल दिया है कि उन्होंने अपनी सौतेली पोती को एक्सेप्ट नहीं किया, और हम चाहते थे कि वो घर की बेटी है तो इसे घर में ही रहना चाहिए, और इसीलिए हम उसे एक सेफ जगह में, होटल में रख रहे थे, हालांकि हम किडनैप कर रहे थे. प्राची बेचारी तो फंस गई है, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसकी और सिट की शादी की अनाउंसमेंट हो गई है. तुम्हारा भाई सिट और मेरी प्यारी बहन प्राची, इन दोनों की अगले हफ्ते शादी होने वाली है. एंड उसको जो ये खुशखबरी दी गई है कि प्राची और सिड की शादी होने वाली है, ये सिर्फ उसी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा दुख की खबर है. एंड चाहे वो कितना भी दिल पे पत्थर रखे बोल दे, लेकिन पर अंदर से तो बेचारा तड़प ही रहा है, तो उसकी जो तड़पन है वो इस सीन के एंड में बाहर आती है, और वो इसीलिए वो घर छोड़ के, मतलब सीन छोड़ के चला जाता है. रणबीर एक और परेशान है, तो प्राची दूसरी ओर. अब होगा तो वही, प्राची दुल्हन बनेगी लेकिन शादी तो होगी नहीं, क्योंकि गणपति बप्पा ऐसा होने ही नहीं देंगे. मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.